नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भक्तों को आमंत्रित करते हुए विस्टोली बेलीपार में अक्षत और पत्रक का वितरण कौड़ी राम विकास खंड के प्रधान संघ अध्यक्ष राम प्रसाद यादव के नेतृत्व में किया गया। इस संपर्क अभियान में घर घर में पहुंचकर लोगों से अपने अपने घरों में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर में स्थापना के उपलक्ष्य में हवन पूजन के साथ दीप जलाकर दीपावली मनाते हुए भगवान श्री राम की प्रति स्थापना का उत्सव मनाने की अपील की गई। अभियान का नेतृत्व कर रहे कौड़ी राम विकास खंड के प्रधान संघ अध्यक्ष राम प्रसाद यादव ने कहा कि 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम नव निर्मित भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जो हम सनातन धर्म प्रेमियों के गर्व का गौरवशाली क्षण होगा, जब हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। इस दौरान विनोद कश्यप, देवेंद्र कसोधन, सुधाकर मोदनलाल, विनय मोदनवाल, राहुल यादव, रवि सत्यवान, अमित कुमार, मंटू सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोरखपुर में मकर संक्रांति त्यौहार पर बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर एसपी रेलवे अवधेश सिंह की अगुवाई में जीआरपी थाना की पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मातहतों को सख्त निर्देश देते हुए स्टेशन परिसर में लगातार प्रभावशील रहते हुए यात्रियों को जागरूक करने के साथ साथ संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की तलाशी भी लिया। इस दौरान ज्वलनशील पदार्थ और संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की भी चेकिंग कराई गई। गोरखपुर के माफिया विनोद उपाध्याय एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आ गया है। सोमवार की शाम को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने धर्मशाला बाजार स्थित विनोद के घर पहुंचकर पत्नी व बेटे का हाल जाना। प्रदेश प्रभारी ने इसे सुनियोजित घटना बताते हुए कहा कि एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या का मामला है। पार्टी इस मामले को लेकर न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस का जोनल सम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य वरिष्ठ नेता गोरखपुर आए हैं। रात करीब 8:30 बजे प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत कई नेता विनोद के घर पहुंचे और पत्नी व बच्चों से मामले की जानकारी ली। इस दौरान नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार का न्यायालय पर भरोसा नहीं है। आरोप लगाया है कि अपराधियों के मामले में कानूनी कार्रवाई की बजाय हत्या की जा रही है, निर्दोष लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के घर सीबीआई और ईडी छापा मार रही है। नेताओं ने कहा कि ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ही राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की है। विनोद के परिजनों की भी न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह, केशव चंद यादव, महासचिव अमरेंद्र मल, निर्मला पासवान, मनोज यादव आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, देखिए कोई कार्यक्रम नहीं था, ये एक हम सभी हमारे जो भाई हैं विनोद उपाध्याय जी, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, तो उनके परिवार के साथ सांत्वना बताने के लिए और पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी और हमारे सभी साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार के साथ ताकत देने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से एक मनमानी तरीके से सरकार ने एक आपराधिक कृत्य जो किया हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और पिछले दिनों पूरे प्रदेश के अंदर में उन पर जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई उसको लेकर एक न्यायिक जांच की हम लोग ने मांग की थी, उसको लेकर माननीय अध्यक्ष अजय राय जी और उनके पूरी साथी आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर और इसी प्रकार की घटनाएं जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हो रही हैं, किसी विशेष जाति समुदाय को लक्ष्य बनाकर और उनके घरों को उजाड़ने का जो कुकृत्य हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। अभी उनकी 5 साल की बच्ची भी थी, कुछ सवालत कर रही थी, उस पे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, इतना भावुक क्षण आपको लगता है किसी बच्चे के जीवन में, आप समझ सकते हैं कि उसके मानसिक रूप से वो बच्ची किस दौर से गुजर रही है। उसका कहना है कि अगर मेरे पिताजी को, अगर पापा को अगर मारना ही था तो आपने बाकी और सदस्यों को क्यों मारा और क्यों दूसरों के जमीनों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाया, उनको तकलीफ दी। अगर एक 5 साल की बच्ची अपने दो साल के भाई के सामने में अगर इस प्रकार की बात करती है, तो आज समझ सकते हैं कि समाज के अंदर में हम किस प्रकार का विद्रोह बो रहे हैं। एक चीज़ बहुत निश्चित है कि प्रशासन कानून व्यवस्था के नाम पर जो भी इस प्रकार की कार्यवाही कर रही है, यह अति गंभीर है और ना ही कोई एक विशेष समाज, लेकिन
समाज के सभी लोग जागरूक जो हैं वो सब इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो आज जागरूक हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इस प्रकार के कृत्य ना हो, सब मिलकर ये कोशिश करेंगे, ये प्रयत्न करेंगे कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उसको अंतिम अंजाम तक हम पहुँचाएँ। अयोध्या ऐसी कोई घटना तो हुई नहीं, हम लोग तो अयोध्या में ही थे, अयोध्या से हम लोग आ रहे हैं। हाँ, वहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के और कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसको राजनीतिक रूप देना, क्योंकि ये तो हम लोगों की व्यक्तिगत, हम सभी मित्र परिवारों की परिवार हम लोग माथा टेकने गए थे। आज संक्रांत का एक पावन पर्व था, उसके चलते हुए हम लोग वहाँ गए थे। बहुत ही मन से आस्था के साथ में हम लोगों ने वहाँ प्रार्थना की, सरयू में हम लोगों ने राम जन्मभूमि में भी हम लोगों ने भेंट दी। मुझे इस चीज़ का की खुशी है कि हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में कानून प्रशासन को लेकर और जिस प्रकार का प्रशासन यहाँ पर अन्यायपूर्ण कृत्य कर रहा है उससे लोगों की रक्षा करने की दुआ मांगी और साथ ही साथ पूरे प्रदेश और देश के लोगों को सुख शांति और समृद्धि दे, यही निवेदन हमने किया। अध्यक्ष जी बोले, गोरखपुर में नगर निगम खिचड़ी मेले को जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में नगर निगम की ओर से खिचड़ी मेले में पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पॉलीथीन को कूड़ेदान में फेंक दिया और वेंडिंग मशीन से 10 रुपये में कपड़े के थैले खरीदे। वहीं नगर निगम की टीम गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले में साफ सफाई में मुस्तैद रही। खिचड़ी मेले के दौरान नियमित सफाई के लिए मंदिर परिसर में 213 सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कहीं जागरूक लोगों ने मेला परिसर में नगर निगम के स्टॉल पर लगे वेंडिंग मशीन से 10 रुपये का शुल्क चुकाकर झोला भी लिया। साथ लाए पॉलीथीन को कूड़ेदान में फेंक दिया। नगर निगम ने मंदिर परिसर में विशेष अभियान चलाते हुए जीरो वेस्ट कार्यक्रम के लिए जागरूकता किया गया। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु प्रतिबंधित पॉलीथीन में खिचड़ी चढ़ाने के लिए लेकर पहुंचे। ऐसे श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया कि प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। ऐसे पॉलीथीन के इस्तेमाल करने पर जुर्माना का प्रावधान है, जबकि जीपीए लगी वाहनों से इन्होंने परिसर में एकत्रित होने वाले कूड़े को निस्तारण के लिए मुस्तैद दिखे। मंदिर परिसर में बने कैंप कार्यालय से सीसीटीवी के माध्यम से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विश्वकर्मा मंदिर में दीवार लेखन अभियान का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम भाजपा महानगर के द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा मंदिर पहुंचकर अपने हाथों से कमल का फूल बनाकर दीवार पर अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ उन्होंने भगवान विश्वकर्मा का दर्शन पूजा अर्चन किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे देश में सफल हो रहा है, इस तरह 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए दीवार लेखन अभियान का शुभारंभ हुआ है। यह लगातार कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस दृष्टि से दीवार लेखन अभियान का शुभारंभ विश्वकर्मा मंदिर की दीवार पर किया गया। 2024 का हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि एक बार फिर मोदी सरकार, भाजपा अब की बार 400 का नारा देना है, भाजपा को विजय श्री दिलाने के उद्देश्य का कार्य करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिल्ली से कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे देश को ये संकल्प दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार और इस बार 400 पार। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह इस दीवार लेखन अभियान को सफल बनाना है। दीक्षित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को शुभारंभ किया था। ये यात्रा पूरे देश में सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के 9.5 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाना है। भाजपा कार्यकर्ता व प्रशासन के साथ मिलकर के केंद्र द्वारा सरकार की योजनाओं को जनता से अवगत कराना है। इससे हर व्यक्ति बीजेपी से जुड़ रहा है। सभी लोग मोदी सरकार भाइयों की सरकार से जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के हमारे सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, इन सब के माध्यम से खाली स्पेस जहां भी दिखे, किसी का पर्सनल है तो उससे पूछ करके, लेकिन अगर खाली स्पेस है आप वहां पर उसको भर दीजिए। तो हर जगह केवल दो ही स्लोगन दिखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ
हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत पहले से सुरक्षित हुआ है, भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है, भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं, हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जल मार्गों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बने हैं, वन उद्योग फिर से प्रारंभ हुए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने कुछ नए मानक बढ़े हैं, क्यों योजना की घोषणा नहीं हुई है बल्कि योजना के क्रियान्वयन को 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो आज हम सबको दिखाई दे रहे हैं, कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। वॉल राइटिंग कार्यक्रम के बाद फिर एक नए कार्यक्रम, नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े रैलियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे, लेकिन याद रखना इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी है। मैं महानगर इकाई को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि पूरे महानगर में और जनपद के अंदर ये वॉल राइटिंग का कार्यक्रम न केवल संगठन बल्कि हमारे जनप्रतिनिधिगण में महापौर भीषण शीतलहरी के बीच कल आप सबने बाबा गोरक्षनाथ को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई, कार्यक्रम में भागीदार बने और आज इतने पूर्वाहन में भगवान विश्वकर्मा के इस पावन मंदिर प्रांगण में 2024 लोकसभा चुनाव वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ यहां से प्रारंभ हो रहा है। यह एक अनवरत कार्यक्रम का हिस्सा बने इस दिन से उत्तर प्रदेश की वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर मुझे भगवान विश्वकर्मा के इस पावन मंदिर प्रांगण से करना पड़ा है। 2024 का हम सबका एक ही संकल्प होना है, एक बार फिर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो एक संकल्प पूरे देश के अंदर फिर से दिया है, एक बार फिर मोदी सरकार और इस बार 400 पार के भारतीय जनता पार्टी का संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह ही फलीभूत हो,
हम सबको प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को शुभारंभ किया था। यात्रा हर गांव का मैं अपना सफर करते हुए अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रही है। सफलता पूर्वक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी की विगत 9.5-10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के और स्थानीय कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते थे, जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार। सदर सांसद रवि किशन ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम बहन कुमारी मायावती का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन जब आपके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बयान दिया गया कि गरीब लोगों को अनाज देकर अपाहिज बनाया जा रहा है, तब मेरा मन बहुत दुखी हो गया। बहन जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोविड के समय में पूरा लॉकडाउन था, उसे समय सारे गरीब चिंता में थे कि किस तरह से हम लोगों का जीवन कटेगा। उसी समय हर तीसरे घर व चौथे घर में मृत्यु हुई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि कैसे मेरा देश चलेगा और कैसे गरीब पर घर का चूल्हा जलेगा। उन्होंने अपने देश का खजाना व देश का अनाज गरीबों के लिए खोल दिया था। ये वही गरीब हैं जो आपके भी वोटर रहे हैं, जिनके बल पर आप राजनीति करती हैं। ये उनको अनाज जा रहा है, इससे आप अपने समाज का विरोध कर रहे हैं। यदि गरीबों को अनाज जा रहा है तो आपको पीड़ा हो रही है। मैं आपका बहुत ही सम्मान करता था, लेकिन आपके द्वारा इस तरह का बयान देना मेरे मन को बहुत दुखी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए और 5 साल मुफ्त अनाज देने का फैसला लिया है। जब मेरा गरीब परिवार के बच्चे कमाने लगेंगे तब मुफ्त अनाज देने का फैसला रोक दिया जाएगा। इस तरह का बयान देना बहुत ही दुखद है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, देखिए अगर ये इस तरह की बयानबाजी करना, अभी मायावती जी के पास अब कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो ये बयानबाजी, देश में पहले कह रहे थे कि गरीब भूखे मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको किसान को 6,000 रुपये की राशि भी दी, कई लाख 2 लाख करोड़ रुपये हमेशा जाते हैं राशि में जब भी इंस्टॉलमेंट जाता है, फिर बोले गरीब भूखे मर रहे हैं। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल के बाद जो बेरोजगार हो गए, जो परिवार में मृत्यु हो गई कमाने वालों की, उन परिवार के लिए ये योजना निकाली। उसमें केंद्र सरकार अपने सीने में ताकत रख के कर रही है। मोदी जी चाह रहे हैं कि कोरोना के बाद से परिवार उठ जाए, 2 साल हुए हैं उस सदमे से निकले हैं कोरोना से, तो उसमें अगर गरीबों का अनाज बट रहा है तो मायावती जी उसमें दलित समाज को भी मिल रहा है, आपके भी वोटर जो थे आपके समाज को भी मिल रहा है, आपको उनका आप मतलब उनको सपोर्ट नहीं कर रही है मायावती जी, उसमें आपका समाज भी लाभ ले रहा है। आज गरीब के बच्चे जी खा रहे हैं अनाज से, आज कोरोना के बाद सब लोग भुखमरी की हालत हो चुकी थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था। ऐसे वक्त में मायावती जी, हम आपसे ये उम्मीद नहीं की थी कि आप अपने समाज का विरोध करेंगी। आपके समाज आज में भी लोग अनाज लेके जा रहे हैं, हिंदू भी ले जा रहा है, मुसलमान भी अनाज ले जा रहा है, 81 करोड़ लोग अनाज ले जा रहे हैं। यही मोदी की गारंटी है, यही रामराज है। मायावती जी, आप अपने समाज के लिए, आप तो महल में रह रही हैं और बाहर गरीबों का आप सोचिए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने तारामंडल स्थित एक निजी लॉन में जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे गोरखपुर जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि यह कांग्रेस की तरफ से एक सफल प्रयास किया गया। अगले 100 दिनों का एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहा है, उसके तहत आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए संवाद कार्यक्रम आयोजित करके आगे का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं का किया जा रहा है। ये 6 मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये कार्यक्रम बाद प्रदेश के 75 जिलों में और 840 ब्लॉकों में आयोजित होगा, जो कि 6 फरवरी तक चलेगा। इस संवाद कार्यक्रम में जो भी चुनौतियाँ हैं वो हमारा आने वाला लोकसभा चुनाव है। राहुल गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारम्भ किया गया है, जो कि मणिपुर से शुरू हुआ है, उसे सफल बनाना
और कार्यकर्ता जो कि आखिरी छोर पर बैठा हुआ है उस कार्यकर्ता का मनोबल व आत्मविश्वास को मजबूत करना है जिससे कि वो पार्टी के कार्यक्रम में सहभागी बन सकें। मुझे खुशी है कि यह मंडल का तीसरा आयोजन है। इससे पहले पश्चिम जो और ब्रिज जो का आयोजन हुआ है वो बहुत ही सफल रहा है। इससे पता चलता है कि कार्यकर्ताओं में जोश पूरी तरह से भरा हुआ है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, 2 से 3 घंटे का संवाद किया एडिटर्स के साथ और यहां से ये संवाद यात्रा चलते चलते मंडलीय स्तर पर ब्रिज मंडल और पश्चिम मंडल की हमने पूरी की और आज ये ऐतिहासिक आज जिस सभा में आप बैठे हुए हैं, आज जिस कार्यक्रम में आप बैठे हुए हैं, आज जो संवाद यात्रा में आप शामिल हुए हैं, इस यात्रा की अलग इस यात्रा के संदेश माननीय प्रियंका जी का संदेश, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे कांग्रेस माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी का संदेश और जो दिशा निर्देश हमें आदरणीय हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी, हमारे हृदय सम्राट हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जो आज सड़कों पर निकले हुए हैं और यहाँ पर हम सब तो आज भी एक एक कार्यक्रम के ऊपर में जो बहुत नजदीकी से अपना समझ कर जो नजर और मार्गदर्शन कर रही आदरणीय प्रियंका गांधी जी, क्योंकि यहाँ जितने नियुक्त लोग बैठे हुए हैं मैं समझता हूँ कि उन पर एक बहुत बड़ा विश्वास, आप पर मुझ पर एक बहुत बड़ा विश्वास नेतृत्व ने डाला हुआ है। चुनौतियों के साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए और जो श्रम परिश्रम जो तपस्या आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पर निकलकर कर रहे हैं उसमें हमारी सहभागिता हमारा योगदान अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जिम्मेदारियों का ईमानदारी से वहन कर ही होगा। सिर्फ दूसरे ने क्या करना चाहिए और पार्टी के अंदर कैसे बर्बादी हो गई, पार्टी कैसे कमजोर हो गई, यहां तो सब कुछ खत्म है। कम से कम मैं ये मानने वाला नहीं हूं साथियों कि पिछले 40 सालों में उत्तर प्रदेश में अलग अलग भूमिका में आप लोगों की मदद हेतु आप लोगों के साथ अलग अलग समय में मैं खड़ा रह चुका हूं। उनका उनका कार्य करने की जो गति है उसको आपको समझ के उससे जोड़ना होगा। दूसरा तीसरा तो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है उसमें हमारे जिले के माध्यम से जिला ब्लॉक न्याय पंचायत और बीच में हमको एक जो गठित करना है मैं दूसरे नंबर के बिंदु पे कहना चाहूंगी मंडल की स्थापना उदयपुर और रायपुर के महाधिवेशन के बाद में हमारे इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है हमारे संविधान में जो कि जरूरी है। तो मंडल की स्थापना भले ही इसमें ना हो लेकिन उसके बारे में गंभीरता से हमें शुरुआत कर देंगे। चौथा आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पांचवा हमारा जो क्राउड फंडिंग है उससे संबंधित और आगे के जो भी अध्यक्ष ये भी अपने मार्गदर्शन में कहेंगे उन सभी विषयों को लेकर और ये एक चीज करना है कि जितनी ताकत हमारे पास में है अगर कोई एक इशारा भी होता है। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई जो कि टीवी के माध्यम से और विशेष रूप से इसे प्लान कराई गई। कल जब हम मंदिर के दौरे पे थे दर्शन ले रहे थे तो ये पूरे जोन की मीटिंग है। हमने उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटा है, यह तीसरा जोन है मेरठ मथुरा और तीसरा आज गोरखपुर। इसमें कार्यकर्ताओं से उनकी बात सुनना, हमारे जो आगे कार्यक्रम है प्रदेश के वो उनको देना और आज जो आपने देखा है कि लगातार यह जिला अध्यक्षों से पूछी गई बात, कार्यकर्ताओं की दिल की बात पूछी गई और उनको हम जो आगे 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक ब्लॉक से लेके पद यात्रा करेंगे और जिले स्तर तक वो यात्रा जाएगी उसके बारे में जानकारी और राहुल जी की यात्रा जो 14 फरवरी को आ रही है यूपी में उसकी पूरी तैयारी और उसके साथ हमारे 138 वर्ष हुए हैं उसके क्राउड फंडिंग के लिए ये आज पूरे तरीके से हमने यहाँ बुलाया है लोगों को और उसमें पूरे हमारे 12 जिले के जिलाध्यक्ष सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व सांसद पूर्व विधायक यहाँ आए हैं उन लोगों के बीच में लोगों ने ये बात रखी। अच्छा इंडिया गठबंधन की बात करें तो मायावती ने खुद को अलग कर लिया है और रंग बदलने वाला कहा है अखिलेश यादव को, तो क्या लग रहा है कितना इसका आप लोगों को देखिए ऐसा नकारात्मक असर पड़ने वाला? देखिए ऐसा है, पहली बात मैं साफ कर दूं कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी थी नहीं, इंडिया गठबंधन की पार्ट नहीं थी इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा अयोध्या की बात करें तो आप लोगों ने जो नकार दिया जो निमंत्रण नहीं क्राउड फंडिंग की आवश्यकता हमेशा पड़ती है भाई, आप मीडिया में काम करते हैं तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इतना बड़ा संगठन चल रहा है और संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है तो निश्चित तौर से हम लोगों से अपील कर रहे हैं 138 रुपए से लेकर
जितनी स्वेच्छा है वो दीजिए और एक साधारण कार्यकर्ता भी हमारा उससे जुड़ रहा है, सहयोग कर। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये एक बहुत ही सफलतम प्रयत्न है। एक कार्यक्रम दिया गया हुआ है, अगले 100 दिनों का एक कार्यक्रम चिन्हित किया गया है। उसके तहत आज हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं उसका मुकाबला करने के लिए आवश्यक संगठन जो हमारा है उसे और ज़्यादा चुस्त हम करें और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो ये संवाद कार्यक्रम जिसमें कार्यशाला और आगे की गतिविधियों के ऊपर भी मार्गदर्शन किया जा रहा है, जो 6 संभाग हमारे हैं, मंडल हैं, उन 6 संभागों में ये कार्यक्रम का नियोजन किया जा रहा है। ये त्रिस्तरीय कार्यक्रम है। इन 6 संभागों के बाद में प्रदेश के पूरे 75 जिलों में और साथ ही साथ 840 हमारे जो ब्लॉक्स हैं उसमें यह कार्यक्रम होगा जो कि 6 फरवरी तक चलेगा। इस संवाद कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारी जो चुनौतियां हैं वो है हमारा आने वाला लोकसभा का चुनाव और आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा जो एक बहुत ही ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो चरण, दूसरा चरण मणिपुर से शुरू हुआ है मुंबई तक का, उसे सफल बनाना और कार्यकर्ता जो कि आखिरी छोर तक के बैठा हुआ है बूथ स्तर तक, उस बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का मनोबल, आत्मविश्वास और साथ ही साथ उसे पार्टी के गतिविधियों और पार्टी के कार्यक्रमों में उसकी सहभागिता प्राप्त करना। मुझे खुशी है कि आज ये तीसरा हमारा मंडल का यह आयोजन है। इससे पहले हमारा पश्चिम मंडल और हमारा ब्रज मंडल का आयोजन हुआ, बहुत ही जोन का आयोजन हुआ, बहुत ही सफलतम रहा। आप खुद देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश, आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भरा हुआ है और विशेष रूप से जिन उद्देश्यों को लेकर आज की वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें कि देश की और समाज की जिन परिस्थितियों से राजनीतिक तौर पे हम गुजर रहे हैं, एक प्रकार से पूरे देश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पैदा हुई, लोग आतंकित हैं, डरे हुए हैं, गरीब और गरीब हुआ है और जो अमीर है, कुछ चंद व्यापारी परिवार, वो जरूरत से ज़्यादा और भी ज़्यादा अमीर हो गया और जो एक खाई है ये और ज़्यादा गहरी हो गई। तो इस खाई को पाटने के लिए समाज के हमारे जो नौ युवा वर्ग है आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जो बेरोजगारी थी आपने देखा होगा कि ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंच गई है बेरोजगारी, और जिन बेरोजगारी के से मुकाबला करने के लिए कुछ अवसर अगर वो देखता है तो आगे उसे कोई अवसर उत्पन्न मौजूद नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है एक तरफ कि इस बार फिर मोदी सरकार 400 के पार, क्या लग रहा है कि कांग्रेस का ये? देखिए, पूरे देश की मैं एक बात कह सकता हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग निश्चित रूप से बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने, उनके जितने भी सपा सालार हैं उन्हें किया है। देश की जनता एक ही प्रश्न पूछना चाहती है कि आपने वादा किया देश की जनता का विश्वास हासिल करने के लिए, बहुत ही सुनहरे सपने दिख रहा है, 2014 से आज हम 2024 पे आ गए। आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां आप हर वर्ष देश के युवाओं को देंगे, 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी, कृपा करके उसका जवाब दें। आपने वादा किया था कि हर नागरिक के खाते में, बैंक के खाते में 15 लाख रुपये जमा किए जाएंगे, कृपा करके उसका हम वो दें, आप उसका हिसाब दें। आपने गैस के सिलेंडर के प्राइजेस और जितनी भी बढ़ती हुई भाव कीमतों को देखकर उसमें वादा किया था कि ये सब कीमतें जो हैं ये आधी से भी कम हो जाएंगी। आपने वादा किया था कि किसानों के लिए उनकी जो भी लागत लगती है उससे 2 गुना फायदा उनको मिलेगा। इन सभी मुद्दों से क्योंकि आप विफल हैं तो आज पूरे देश के अंदर में अपने जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करते हुए कोई भी अगर आवाज़ इसके विरोध में उठाता है या गलत नीतियों के विरोध में उठाता है तो उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। आज स्थिति क्या है, देश का लोकतंत्र पूर्ण रूप से चरमरा गया है। संविधान जिसके आधार पर पूरे देश की संरचना हुई, हर वर्ग को एक अधिकार और एक विश्वास मिला, आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। आज अगर इस प्रकार से चलते रहे, लोकतंत्र में जो चुनाव प्रणाली होती है आज लोगों का उस पर से चुनाव विश्वास हटता जा रहा है। चुनी हुई सरकारें गैर भाजपाई सरकारें हैं,
खुले राम खुले रूप से बिना किसी डर बिना किसी शर्म के चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख के मामले से या तो गिरा दिया जा रहा है या खरीद कर भाजपा सरकार बनाई जा रही है। तो आखिर आप और हम सब ये जानते हैं कि आने वाले कल में लोगों का अगर लोकतंत्र से विश्वास उठ गया, लोगों का अगर संविधान से विश्वास उठ गया, लोगों का अगर संवैधानिक संस्थाओं से पुलिस ईडी इनकम टैक्स हमारा न्याय प्रणाली चुनाव प्रणाली अगर इनसे विश्वास उठ गया तो फिर क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ बहुत निश्चित है कि इन सभी चीज़ों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जिसमें न्याय का लोगों को विश्वास दिलाते हुए एक वादा किया है, पूरे देश में आज देश की राजनीति एक सकारात्मक करवट ले रही है। लोग सोचने पे मजबूर हैं कि क्या आने वाले 5 साल माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश का संविधान इस देश का लोकतंत्र कायम रहेगा भी कि नहीं, अगला चुनाव होगा भी कि नहीं। लोकतंत्र में या अब जो हम कहते हैं कि अनकही इमरजेंसी लग गई आपातकालीन स्थिति लग गई, हो सकता है कि इसके बाद में ऐसा ना हो कि देश किसी तानाशाह के हाथ में आ जाए। तो ये डर इस चीज़ पे सोचने पर मजबूर कर रहा है युवकों के बीच में कि आने वाले समय बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। इन्हीं सब जिम्मेदारियों के प्रति इन्हीं सब घरों से लोगों को के साथ कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के आदरणीय सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में खड़ी है, जागरूकता का एक काम कर रही है और जन सामान तक जाने का ये संदेश पहुंचाने का। सदर सांसद रवि किशन ने माफिया विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर पर कहा कि विनोद उपाध्याय के ऊपर कई FIR हैं, इसमें लोग राजनीति करके लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा जो कि दहशत फैलाते थे उनके लोग बहन बेटियों को धमकाते थे, गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे और हत्या करते थे, व्यापारियों से फिरौती मांगते थे, ऐसे लोगों को ये लोग शह देते थे। हम लोग कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव जीतते हैं, जो लोग पब्लिक को डराते हैं उनका कानून का शिकार होना पड़ेगा, ऐसे लोगों को कानून के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। यदि कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक है, आने वाले माफियाओं को हत्या करने वाले साजिशकर्ताओं को शरण देने का काम कर रही है। अब देश बदल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी देश व प्रदेश चला रहे हैं, इससे जनता भी प्रसन्न है, इसलिए इस तरह की राजनीति ना करें, समय बदल गया है। इतना बड़ा देश है, अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निर्णय लेती है तो अगर कोई पुलिस पर फायर कर रहा है तो पुलिस उसे जवाबी फायर करेगी, यदि आप गोली चलाते हैं तो पुलिस भी गोली चलाएगी, कानून अपना काम कर रहा है। इस तरह की राजनीति करके कांग्रेस की यह दशा हो गई है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, इन पर इनाम था और इसके बारे में सब लोग जानते हैं, पुलिस में उनके नाम पर FIR है, ये सब ये इसमें ये लोग राजनीति करके, देखिए कांग्रेस सपा ये लोगों के वक्त पे माफियाओं को और जो लोग दहशतगर्द फैलाते थे समाज को बहन बेटियों को डराते थे धमकाते थे गरीब लोगों की ज़मीन पर कब्जा करते थे हत्या करते थे फिरौती करते थे व्यापारियों लोगों के साथ, ऐसे लोगों को शह देना ये नहीं। भाजपा इसीलिए चुनाव जीतती है कि कानून व्यवस्था के नाम पर ही हम लोग चुनाव जीतते हैं, माफियाओं को डराने वालों को दहशत जो करते हैं उन लोगों को कानून के का शिकार होना पड़ेगा, उनको कानून की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है तो ये बहुत ही पाप है, आने वाले और माफियाओं को गुंडों को हत्या करने वालों को साजिशकर्ता लोगों को आप शह दे रहे हैं। देखिए अब ये देश बदल रहा है, मोदी जी योगी जी जैसे देश चला रहे हैं उत्तर प्रदेश चला रहे हैं उनको कृपया चलाने दीजिए, जनता प्रसन्न है, इसमें इस तरह की ओछी राजनीति कृपया ना करें, समय अब बदल गया है। इतना बड़ा देश है उसको कानून व्यवस्था के साथ चलाने के लिए अगर प्रशासन पुलिस को निर्णय लेती है, अगर कोई आप पुलिस पर फायर कर रहा है तो पुलिस फायर बैक करेगी, आप पुलिस पर हत्या अगर गोली चला रहे हो तो पुलिस भी गोली चलाएगी, कानून अपना काम कर रहा है, नेता अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, इसमें ये छोटी राजनीति कर करके आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है जो उनकी हर राज्य में आप लोग देख रहे हैं। हम लोग इसीलिए हर राज्य जीत रहे हैं क्योंकि हम लोग कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहते थे और वो मोदी जी दिखा रहे हैं और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी
400 पार 2024 में जीतने जा रही है जो जनता कह रही है। तो ये इसमें ये ओछी राजनीति को मैं कहूँगा कि मैं इसको ज़रा भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। बहुत मुझे हर्ट करती इस तरह की राजनीति कि आप कि को पुलिस ने किसी ने मारा है, पुलिस के कानून में कोई दर्ज है अपराधी, आप उनके घर जाकर अगर ब्राह्मण राजनीति कर रहे हो तो गलत है। ब्राह्मण जाग चुका है, ब्राह्मण जानता है क्या है, ब्राह्मण विकास के साथ रहा है, ब्राह्मण राम राज्य के साथ रहा है, ब्राह्मण समझदार है। ब्राह्मणों को आप उलझाने की कोशिश ना करें कांग्रेस। भारत सरकार के द्वारा सस्ते दरों पर उपभोक्ताओं के लिए भारत आटा की बिक्री गोरखपुर में होगी, जिसका सदर सांसद के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि यह मोदी की गारंटी है। जब मोदी की गारंटी होती है तब 27 रुपये 50 पैसे में गरीबों को आटा मिलने जा रहा है। पहले देश की गरीब जनता 35 रुपये में आटा खरीदती थी, अब उसको सस्ते में आटा मिलेगा। ये आटा सभी लोगों के लिए है, इसमें अमीर व गरीब लोगों के लिए कोई भेदभाव नहीं है। इसके सप्लाई के लिए गैलेंट परिवार चुना गया है जिसकी सप्लाई करेगा। अयोध्या में भगवान राम का 22 जनवरी को पाठ खुलेगा, उसके पहले गरीबों को सस्ते दामों पर आटा मिलने जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, पूर्वांचल अपने गोरखपुर को बता देना चाहता हूँ, यह है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी होती है तो इतना बड़ा संदेशा और इतने भव्य रूप से हमको मिला है, जहां पर आप 35 रुपए में गरीब जनता, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की, पूर्वांचल की, गोरखपुर की 35 रुपए किलो में आटा खरीदती थी, अब उसको 27.5 रुपए में ये पीसा हुआ आटा और अद्भुत आटा मिलेगा, जो भारत केंद्र सरकार के द्वारा था 35 रुपए किलो मिलता था। मैं बार बार बता रहा हूँ और अगेन आई एम टेलिंग यू, ये अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए है, इसके लिए कोई मापदंड नहीं है। गैलेंट परिवार को चुना गया प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश अनुसार कि ये परिवार यहाँ पर, उन पर चूंकि विश्वास है, गैलेंट परिवार एक विश्वास के रूप में अपने बिजनेस में इनकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से जाना जाता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर संदेशा, राम राज्य में प्रभु राम के मंदिर 22 जनवरी को पाठ खुलेगा, उसके पहले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी लोगों को, गरीब परिवार को, पुअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से लेके सबके लिए ये तोहफा दिया है। 27.5 रुपया किलो में अब पीसा हुआ आटा मिलेगा, जो अभी 20,000 क्विंटल का पहली खेप जो निकलने वाली हो, 20,000 क्विंटल इनके पास आ गई, ट्रक लदा हुआ है और ये अभी ये प्रेस कॉन खत्म होने तक ये ट्रक यहाँ से निकल भी चुके होंगे, कुछ निकल रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को संदेशा देने के लिए मैं समस्त मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ और ये खबर बहुत बड़ी खबर है, मोदी की गारंटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। निरंतर हर रोज वो कोई ना कोई हम लोगों को सौगात देते रहें, लेकिन ये सौगात मुझे लगता है कि गरीबों के लिए बहुत खुशखबरी होगी और बहुत बड़ी खबर होगी कि पीसा हुआ आटा मिल रहा है 27.5 रुपए में और अद्भुत आटा, अद्भुत खेप, और इसकी सुंदरता भी हमने इनके साथ देखी भी थी, वो आटा बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आपको, धन्यवाद गैलेंट परिवार को, गोरखपुर का गौरव है, गर्व की बात है कि गोरखपुर को पीएमओ ने चुना, प्रधानमंत्री आवास कार्यालय ने चुना, ये मुझे खाद भंडार ने चुना, मैं उसके लिए अपने आप को सांसद के रूप में गोरखपुर का बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ, और गैलेंट परिवार के लिए और समस्त हम सभी गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए ये बहुत खुश खबर है, ये सुखद समाचार है कि गैलेंट परिवार इसको एक ईमानदारी के साथ पूरे बाजार में, जनता के बीच में उतारेगा, कोई बिचुइया नहीं, कोई दलाल नहीं, 27.5 रुपए में पीसा हुआ आटा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी गरीबों के लिए आज से आदेश किया है। 30% सस्ता आटा मिलेगा और दूसरे कंपनी की कपड़े, कहां तक पहुंचाएंगे देश भर में, कहां कहां जाएगा ये समस्त भारत में। हम लोगों की जिम्मेदारी गोरखपुर क्षेत्र के लिए है, अभी 20,000 आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने लगभग 200 से ज्यादा फरियादियों के फरियाद को सुना। मुख्यमंत्री स्वयं एक फरियादी के पास जाकर प्रार्थना पत्र लेकर उनकी समस्या सुनते नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जनता दर्शन में आए फरियादी समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। यदि किसी की जमीन पर कब्जा है तो भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जाए और गरीब की जमीन को मुक्त कराया जाए। शासन की पहली प्राथमिकता जनता
जनता की समस्याओं का निस्तारण करना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जमीन हमारी घुमाती है जब कौन परेशान कर पाए उसको दे देंगे जी, अगर ये पहले से बुझा देंगे तो कौन परेशान आप ही के अरे हो